में आएंगे बच्चे, तो पहला उनका बेसिक रहेगा कि हम लोग कोई भी चीज़ का, जिसे जो बच्चे रहेंगे तो शुरू में उनको एक बेसिक तैयारी कराएंगे, और तैयारी करने के बाद उनको हर सेक्टर में जाने के लिए तैयार करेंगे। शुरू में बच्चे जो भी मैट्रिक पास होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता, उनको हर एग्जाम लगता है कि आसान रहता है। पहले हम 4 महीने 5 महीने का बेसिक तैयारी करने के बाद तब आगे तैयारी कराएंगे। इसके लिए जो बच्चे आएंगे 3800 जिला में जो सिलेक्ट होंगे उनको रहना खाना पटना में फ्री करेंगे। सर, आप लोग समाज सेवा का काम करने जा रहे हैं, इस चीज में आप लोग कोई कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे तकलीफों का सामना करके सर वहाँ तक खड़े हुए हैं, तो सर के पास बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, तो वो सब आ रहे हैं कि सर आप शिक्षा जगत में भी आना चाहते हैं सर, तो आए। इसी के लिए बहुत सारे बच्चे के पास पैसे रहते हैं बट वो पढ़ नहीं पाए, इसके लिए हम लोग समाज में आए। बच्चे को विश्वास कैसे दिलाएंगे सर? बच्चे को विश्वास सर एक हम लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद वो स्कूल आएंगे, फिर रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट होगा तो विश्वास होगी सर। पर्चे दोगे या ऑनलाइन? ऑफलाइन सर। अपना पर्चे दीजिए, अपना पर्चे दे दीजिए। मैं मिथिलेश कुमार सिंह और रहने वाले हैं बबुआ का, करियर कैंपस अभी वर्तमान में सेना में तैयारी कराते हैं, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग सेक्टर में जैसे रेलवे में हुए, डिफेंस में हुए, बहुत जगह काफी सालों का अनुभव है आपके पास, इसीलिए बच्चे को विश्वास करने की जरूरत, इसीलिए मैं पूछा आपको। इतना गारंटी है बच्चे कैसे आएंगे, बच्चे लाने के लिए जी बहुत सारे माध्यम है। पहले माध्यम नहीं था कि बच्चे गांव से तक कैसे मिले, अब तो सोशल मीडिया इतना है कि सोशल मीडिया के जरिए चला जाएगा, फिर लोगों के द्वारा जाएगा, फिर इसके बाद ग्रुप टू ग्रुप जाएंगे। बहुत लोगों को 3800 जिला में हम लोग संपर्क कर चुके हैं, वो सब लोग तैयार हो चुके हैं, 3800 जिला में कहीं ना कहीं लड़के सिलेक्शन हो चुके हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग पहुँचे। इसका शुरुआत कब से होने जा रहा है? इसका शुरुआत बस ये मुझे लगता है कि जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी तो फिलहाल अभी हम लोग जस्ट लाइक सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ से बच्चे कैसे कलेक्ट हो, तो इसके लिए अभी तो पहले पटना से थोड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मैंने बताया था कि बहुत सारे पार्क गंगा किनारे बहुत सारे बच्चे अपना अपना ग्रुप बना करके अपने जो भी कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना सेट पेपर ला करके क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उन लोगों मैं चाहूँगा कि उन लोगों तक तो मैं पहुँचूँ, हमारा टीम पहुँचे, वो लोग जो उनको 50 रुपये लगता है वो भी नहीं लगे, वो हमारे तरफ से उनको ताकि उनको लगे कि नहीं कोई काम करना चाहता है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो लोग साथ में उनसे 50 रुपये तक भी नहीं, 50 रुपये तक भी। सर को सरकार और सिस्टम को भरोसा नहीं है तो चलिए, इसलिए कष्ट के सारा काम सरकार और सिस्टम नहीं कर सकता। अगर सारा काम हम लोग सरकार और सिस्टम पे करेंगे थोड़ेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को खुद से बदलाव लाना पड़ेगा, जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं ला सकते, जिसके लिए हम लोग को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलनी पड़ेगी, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिहार के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बिहार को युद्ध को यह मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, अगर आप ठान लें कोई काम तो मतलब बड़े से बड़े काम आसान हो जाता है। जैसे अगर आप मेरे बारे में सुने होंगे जानते होंगे, मैं डॉक्टर रजनीश का, मेरा जो होम टाउन आरा है, आरा में छोटा सा जगह है बेगमपुर मोहल्ला, जिसको लोग कोई नहीं जानता था, अभी भी कोई नहीं जानता है, लेकिन आज मैंने जिस काम को ठाना कि मुझे करना है मैंने किया, और आज ये पूरा बिहार ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट आते हैं, सब लोग जानते हैं ये क्या था, ये एजुकेशन है, शिक्षा के माध्यम से मुझे लोग जाना नहीं तो मुझे कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि अगर ये शिक्षा की अगर जन जन तक पहुँचे, हर एक बच्चे तक पहुँचे, तो वो लोग भी इस मुकाम को पा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी भी चीज़ को हम लोग पा सकते हैं और कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ जाते। कुल मिलाकर बच्चों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक जिले में जो है सर बताया जैसे 3 से 5 यानी 38 जिला है, 3 से 5 बच्चे सेलेक्ट किया जाएगा और टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। अभी तो सर जैसे बताया कि अभी जो बच्चे फाइनेंशियल वीक है तो उसको तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बच्चों के आंकड़े बढ़ाए जाएंगे आगे जाकर, हाँ बढ़ाए जाएंगे, और हम लोग इस तरह का फंडा बताएंगे उसको कि कैसे आप एक साल में किसी भी एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हैं, वनडे एग्जामिनेशन। आपका वो क्वेश्चन अच्छा था कि वैकेंसी तो 4 साल 5 साल बाद आता तो क्या क्या है, पर हम बात अब जो मान लें कि जो बच्चा पता ही नहीं है कि इसके बाद क्या आता है, लेकिन उसको इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा 1 ईयर में कि अगले कोई भी एग्जामिनेशन को फाइट कर सकता है, वो एक लय दिया जाएगा, एक रास्ता दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एकदम प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ये जो है ना इतना तैयार कर देंगे कि अगला जो एग्जाम आएगा उस पे वो क्रैक कर देंगे। चुनाव भी तो 5 साल में होते हैं, हार जीत तो होती ही रहती है, तो
अटूट विश्वास शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।